हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे GATE 2015 का क्वेश्चन ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट पे की वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, लेट एफ ऑफ एन इक्वल टू एन एंड जी ऑफ एन इक्वल टू एन टू द पावर 1 + sin n। दो फंक्शन दिए हमें, एफ एन और जी एन। ठीक है, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं एंड फर्दर दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ पहले। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो ऐसे एफ ऑफ एन इक्वल टू, इसे रीड करते हैं बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, तो अगर आप इसे मैथमेटिकल टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेट लेस देन इक्वल टू जी एन, लेट लेस देन इक्वल टू ऑफ जी एन। ठीक है, अब जहाँ पे भी बिग ओ लिखा हो आप उसे ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन हमें क्या दिया है, सेकेंड स्टेटमेंट दिया एफ एन इक्वल टू, इस सिंबल को हम कैसे रीड करते हैं, ओमेगा। ठीक है, बिग ओ जो होता है आपका अपर बाउंड की तरह काम करता है। ठीक है, ऐसे ही जब आप ओमेगा को अगर स्टडी करेंगे देन उसको कुछ ऐसे सिंबल्स बनाते हैं, देन एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लोअर बाउंड होता है। ठीक है, ये आपका लोअर बाउंड होता है। एंड देन अगर इसको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एन। ठीक है, ये आपका ओमेगा लोअर बाउंड के लिए यूज होता है। ये सारी नोटेशन है, ओमेगा नोटेशन है, बिगो नोटेशन है। ठीक है, एक थीटा नोटेशन भी होती है, वो होती है हमारी टाइटेस्ट जो हमें एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी देती है ऑफ एल्गो की। ठीक है, ये हमारी तीन नोटेशंस होती हैं, बिगो, ओमेगा एंड थीटा। ठीक है, नाउ हम फर्दर क्वेश्चन में वापस आते हैं। हमें क्या फंक्शन दिए हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन एंड जी एन और जी ऑफ एन इक्वल टू एन टू द पावर 1 + sin n। ठीक है, दो फंक्शन हमें दिए हैं, एफ ऑफ एन क्या दिया है हमें, एन दिया है, सिंपल लीनियर है, ये लीनियर फंक्शन है। एंड जी ऑफ एन दिया है एन की पावर में 1 + sin n। ठीक है, एंड एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर टी है। ठीक है, मतलब एन इक्वल ग्रेटर देन 0 होना हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम जी एन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, एफ ऑफ एन तो पहले सिंप्लीफाई है, सिंपली एन टर्म्स में दिया, लीनियर फंक्शन है एक तरीके से। अगर जी ऑफ एन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आपको पता है होगा कि साइन साइन एक्स की जो वैल्यूज होती है, वो जो साइन एक्स की जो रेंज होती है, तो वो किसके बीच में लाई करती है, -1 से लेके 1 तक के बीच में। एक्सट्रीम केसेस होते हैं, मिनिमम यहाँ तक जा सक मिनिमम -1 हो सकती है एंड मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यूज़ रखें इस फंक्शन में जी ऑफ एन में, तो हमें क्या वैल्यू मिल सकती है, अगर हम एट साइन एन इक्वल टू -1 रखें तो जी एन जी ऑफ एन कितना आएगा, एन टू द पावर 1 + 1, तो ये कितना हो गया, एन टू द पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर एट साइन की वैल्यू अगर हम सबसे मिनिमम लेके चले, हमने यहाँ मैक्सिमम ली थी। ठीक है, अगर साइन की वैल्यू हम मैक्सिमम लेके चले, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम लेके चले, मैक्सिमम तो यहाँ पे हो गया, मिनिमम लेंगे, मिनिमम केस में कितना होगा, साइन एन कितना होगा आपका, -1। ठीक है, तो जी ओ एन अगर निकालेंगे तो कितना आएगा इसमें हिसाब से, एन टू द पावर 1 + -1, तो ये कितना हो गया, एन टू द पावर 0। एन टू द पावर 0 क्या होगा, 1 आपका। ठीक है, आपने ये जी ऑफ एन की वैल्यू निकाल ली है एक्सट्रीम केसेस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे एन स्क्वायर आया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू और साइन की वैल्यू 0 भी हो सकती है कभी, -1 से 1 के बीच में है ना, तो 0 भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइन एन इक्वल टू 0 है तो हम कैसे हम वो वाला केस भी कंसिडर कर लेते हैं, तो जी ऑफ एन कितना हो सकता है इस केस में, एन ऑफ
वन प्लस साइन एन है, साइन एन जीरो हो गया तो सिंपली एन आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, जी एन की वन हो सकता है या फिर एन हो सकता है या इस केस में, या फिर एन स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। इन्हीं की वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। हम सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन में क्या था रहा? दिया था एफ एन। एफ एन क्या है हमारा? एन है, ठीक है। ये हमारा जी एन है। हम देखते हैं कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट क्या कहना चाहता है, एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन, ठीक है। इसका क्या क्या कहने का मतलब है, आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, एफ ऑफ एन जो है आपका बिग ओ ऑफ ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। इसका कहने का मतलब है एफ ऑफ एन की लेस देन होना चाहिए जी एन से, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जी एन, ठीक है। एफ ऑफ एन आपको क्या दिया था, एन दिया था सिंपली, ठीक है। अब जी ऑफ एन क्या हो सकता है, वन भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर हो सकता है। अगर एन स्क्वायर होगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। अगर एक और सेकेंड केस ले सकते हैं, अगर एन होगा, एन लेस देन इक्वल टू एन, तो ये भी इक्वल वाले केस में सेटिस्फाई कर जाएगा। पर अगर हमने जी ऑफ एन को वन ले लिया, एन लेस देन इक्वल टू वन, तो ये वाला केस फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एन की कुछ वैल्यू डाल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल टेन डाल लीजिए, तो टेन लेस देन इक्वल टू वन ये फेल हो जाएगा ये वाली कंडीशन पे, ठीक है। तो इस वाले केस में जी ऑफ एन इक्वल टू जो वन होगा, तो आपका फर्स्ट वाला केस फॉल कर रहा है, मतलब फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो आपको जी ऑफ एन की सारी वैल्यूज़ पे ये वाला केस होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एन। जी ऑफ एन की जितनी वैल्यूज हो सकती हैं सबके लिए वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर एक भी आपको फॉल्स मिल जाती है वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं होगी। आपको यहाँ पे जी ऑफ एन जब वन है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स मिल रही है, इस वाली एफ ऑफ एन ये वाली कंडीशन फॉल्स मिल रही है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट वाला जो रखा है ये फॉल्स है, ठीक है, ये वाला फॉल्स है, ठीक है। अब सेकेंड वाला जब चेक करते हैं, सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाला जब करेंगे, एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ जी एन। एफ ऑफ एन हमारा क्या है, एन है, एंड जी एन हमारी क्या वैल्यू हो सकती है, वन हो सकता है, एन हो सकता है, एन स्क्वायर हो सकता है। तीनों पे हमें चेक करना पड़ेगा, अगर एक पे भी फेल हो गया तो ये भी फेल हो जाएगा, और अगर तीनों पे पास हो गया तो ये सेकेंड वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। अगर वन रख के देखें, एन लेस देन वन, तो ये पास कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू भी है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू, अगर जी ऑफ एन एन होगा तो क्या आएगा आपका, ये वाला, तो ये भी सही हो जाएगा। पर अगर अब थर्ड कंडीशन डाले, एन स्क्वायर डाले, एन एन स्क्वायर, इस पे ये वाला फेल हो जाएगा, ठीक है। आपने तीन, आप जी ऑफ एन के आपके पास तीन वैल्यू थी, आपको तीनों पे चेक करना था। अगर एक पे भी फेल हो जाएगा तो आपका ये वाला सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो आपने तीनों पे चेक करा, वन के लिए ट्रू आया, एन के लिए भी ट्रू आया, पर अब एफ जब जी ऑफ एन एन स्क्वायर हो रहा है तो आपका ये फॉल्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से फॉल्स होने की वजह से ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट भी हम गलत कह सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शन ए क्या कहते हैं, ओनली वन इज ट्रू, नहीं ये भी गलत है, दोनों फॉल्स है हमारी। ओनली टू, ये भी गलत है, बोथ वन एंड टू ट्रू है, नो ये भी गलत है। हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, नाइदर वन नॉट टू, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, यस ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। हमने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस्ड था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोज। मैं और भी न्यू वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, गेट सी एस आई टी के और कुछ और सब्जेक्ट्स में, ठीक है। थैंक यू।